आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पॉलिटी के वीडियोस में लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न अधिनियम व उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पैटा एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं सबसे पहले तथ्य 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था, इसमें आपके बंगाल के गवर्नर जनरल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और जो आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से। तो इसका दो इसमें से दो आपके इफेक्ट निकल आए हैं कि पहले आपके जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और इससे रिलेटेड क्या है, 1773 से क्या हुआ था, कलकत्ता में एक उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में। एक्ट आया 1773 और स्थापना हुई आपकी 1774 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, चार्टर अधिनियम आया कब था, 1813 में। इसके द्वारा क्या है, भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया और कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार करने के एकाधिकार को है वो छीन लिया गया। ठीक है, सबसे हाईलाइटेड पॉइंट 1813 का क्या है, शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ये वाकई में जो फील्ड में काम होता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये था कि इसमें प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है आपका, तो शिक्षा का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में। अब 1853 के चार्टर एक्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आज़ादी से पहले विधान परिषद का गठन, तो 1853 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये आपका एक फैक्चुअल बन गया। नेक्स्ट है 1892 का अधिनियम। ठीक है, 1892 का जो एक्ट था उसमें क्या था, सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी इसमें। ठीक है, इसका यही, वैसे और भी चीज़ें हुई थी लेकिन जो हाईलाइटेड है हम आपको वही बता रहे हैं। अब है आपका 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, जिसको हम मार्लेमेंटो सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, 1909 वाले को ही हम क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो सुधार। अब इसमें यहीं से कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों द्वारा पृथककरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी। ठीक है, फूट डालो करो वाली नीति उन्होंने यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। देन उसके बाद 1909 हो गया, ये काफ़ी फेमस है मार्लियामेंट सुधार। फिर 1919 का एक्ट आता है, ये भी काफ़ी फेमस है, इसको भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं, सॉरी इसको पूरा ही एक्ट का नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, फिर और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। 1909 वाले को था मार्लियामेंटो, 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ था, केंद्र में जो है द्विशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली आरंभ की गई। जो भी देख रहे हैं आप डबल हो रहा है, ठीक है, है ना, 1919 में जो भी देख रहे हैं आप डबल ही हो रहा है। तो प्रणाली आरंभ की गई, प्रांतीय विषय दो उपवर्गों में विभाजित हुए, पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। ठीक है, आई होप ये एक्ट आपको पसंद आए हो, पसंद नहीं भी आए हो तो भी इनको घोल के पी जाइएगा, आपके पैट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।